हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए जानते हैं टैली के एक एक लेजर के बारे में। काफ़ी कंफ्यूजन तब हो जाती है जब हम टैली में जीएसटी इनेबल करते हैं और जब हम सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी या यू टी जी एस टी जब कैलकुलेट करने जाते हैं तो वो कैलकुलेट होकर नहीं आता है। तो इस तरह से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आज क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले टैली ईआरपी 9 ओपन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक कंपनी हमारे पास पहले से मौजूद है, रमेश एंड सन्स। आप कोई भी कंपनी चूज कर सकते हैं। अगर अगर बात करें ये भारत कंपनी की तो इसको भी हम ले लेते हैं। और अब इस कंपनी के अंदर देखना है हमने क्या क्या किया है। तो अल्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए। कंपनी बनाते वक्त हमने क्या क्या किया है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। अल्टर पे जाइए। अब ये भारत नाम की कंपनी है तो ये देखिए ये कंपनी हमने बनाई है भारत के नाम से और ये लिखा हुआ है मेलिंग नेम भारत और यहाँ न्यू कॉलोनी देवरिया एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ इंडिया कंट्री है और स्टेट डालना तो कंपलसरी ही होता है तो यहाँ स्टेट भी डाला है और पिन कोड भी डाल दिया है। मोबाइल नंबर फैक्स वगैरह ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या छोड़ दें। ठीक है, वैसे डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, मैंने यहाँ नहीं डाला है। चलिए नीचे आएंगे और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर शुरू कब से होता है, 1/4/2020 यानी 2020 चल रहा है तो मैंने यहाँ 2020 सेलेक्ट किया है, लेकिन कभी भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही चालू होता है। अब ये दिया हुआ है बुक्स बिगिंस फ्रॉम, हमने काम कब से चालू किया है वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। एंटर प्रेस करते हुए मैं नीचे आ गया हूँ और इसको मैंने एक्सेप्ट करा लिया है। एंटर 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 करते करते हमने इसको एक्सेप्ट करा लिया है। तो ये हो गई हमारी कंपनी, आपने इसको देख लिया अच्छे से। अब हम आते हैं कहाँ, अकाउंटिंग वाउचर में। चलिए चलते हैं। पहला आपको सबसे पहला काम अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद ये करना है, जब भी आप कंपनी बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाइए रिसिप्ट वाउचर में। और रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद आपको करना है कैपिटल अकाउंट को, जो कैपिटल अकाउंट है आपका, कैपिटल अकाउंट को करना है क्रेडिट। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का लेजर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। और जितने रुपए से आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे जो भी मान लीजिए 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो या जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आप तो यहाँ कैश आएगा, तो कैश को आपको करना है डेबिट करके आप एक्सेप्ट करा लीजिए। ये पहला काम आपको जरूर करना है, मैंने पहले से कर रखा है इस वजह से मैं नहीं कर रहा। अब यहां पर फिर एंटर प्रेस करता हूं। अब कहां आना है हमें, हम आ जाते हैं परचेस वाउचर में। इतना काम करने के बाद आप सीधा परचेस वाउचर में आ जाइए और यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, वो डेट आ जाएगी जिस डेट पर आप खरीदारी कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, वो डेट आ जाएगी। अब यहां पर आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं साइड में, ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर कभी कभी हम कैश भी रख देते हैं। कैश रखने का फायदा यह होता है कि जो भी हम खरीदारी कर रहे हैं कैश कर रहे हैं, उसमें पार्टी का नाम मेंशन नहीं रहता है। लेकिन अच्छा ये है कि पार्टी का नाम हम मेंशन करें। तो जब भी आप पार्टी का लेजर बनाएंगे तो ये देखिए रमेश क्रेडिटर और संजय डेटर, इन दोनों का लेजर मैं आपको दिखाता हूं मैंने बनाया है, कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमें कहां चलना है, अकाउंट इन्फो पर, और यहां पर लेजर में आ जाएंगे और यहाँ से अल्टर पे चलेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो ये रमेश क्रेडिटर है, यहाँ पर आते हैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये रमेश क्रेडिटर, क्रेडिटर तो मैंने समझने के लिए, आपके जानने के लिए यहाँ पे क्रेडिटर लिख दिया कि ये क्रेडिटर पार्टी का ही लेजर है। और ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे अंडर में तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल जाएगा और यहाँ पर आपको देना होगा क्रेडिटर पार्टी का नाम। यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट खुली हुई है तो आप केवल एस प्रेस कर दें तो सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर और एस से संबंधित जो ग्रुप्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप आसानी से यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर चूज कर पाएंगे। ठीक है, और चूज करके एंटर प्रेस करेंगे और मेंटेन बिल वाइज बिल को आपको यस रखना है। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आप क्रेडिटर पार्टी का एड्रेस डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस डाल रहा हूँ, ये डाल दिया हमने। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर स्टेट का नाम आ जाएगा और यहाँ पर जो लोकल आपका एरिया है वहां का पिन कोड आ जाएगा। ये पिन कोड डालने के बाद अगर कोई बैंक की डिटेल है तो डाल सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाइए, रेगुलर कंपोजिशन कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड। देखिए जीएसटी का टाइप है, कभी कभी क्या होता है कि जीएसटी जो 3 महीने पर जो फाइल करते हैं यानी क्वार्टरली जीएसटी जो फाइल करते हैं वो कंपोजिशन वाले स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं। जो कंज्यूमर होता है यानी जो आपके सामान को उपभोग करेगा वो जो है कंज्यूमर कहलाता है। और रेगुलर, अब कंज्यूमर को भी जीएसटी देना पड़ता है, अगर आप शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करते हो तो आपको जो बिल मिलता है उस पर जीएसटी लगा होता है।
अब ये रेगुलर क्या है, तो आप अगर कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर चूज कर सकते हो, और अगर रेगुलर स्कीम में आप रजिस्टर्ड हो तो रेगुलर स्कीम में ही ज्यादातर रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये क्रेडिटर पार्टिकल जो रजिस्ट्रेशन होगा या तो कंपोजिशन होगा या तो रेगुलर होगा, इन्हीं दोनों में ज्यादातर होता है। तो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं वो, और अनरजिस्टर्ड यानी आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर GSTIN नंबर डाल सकते हैं, ये आपके स्टेट से मिलता जुलता एक कोड होता है, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, इसको टैली वेरीफाई करेगा, यहाँ पर एंटर प्रेस करके और एक्सेप्ट कराइए इसको। ये हो गया हमारा क्रेडिटर पार्टिकल लेजर। तो ऐसे हमें क्रेडिटर पार्टिकल लेजर बनाना है। अब डेटर पार्टी देख लेते हैं, डेटर पार्टी में क्या है, ये हमारा डेटर पार्टिकल लेजर है। अब इसमें देखिए, यहाँ संजय डेटर पहचान के लिए मैंने डेटर लिखा है, यहाँ से जब एस प्रेस कीजिएगा आप तो यहाँ पर डेटर आ रहा है, तो एंटर प्रेस करते हुए यहाँ आ जाए, यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपके एड्रेस है वो डाल दीजिए। तो यहाँ मैंने एड्रेस डाल दिया, सेम एड्रेस, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा, तो यहाँ पर पिन कोड भी डाल दिया हमने, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर भी रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड रख रहा हूँ, अगर पैन नंबर है तो वो डाल सकते हैं ऊपर, एंटर प्रेस करता हूँ, GSTIN नंबर अगर है तो डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए इसको। तो ये हो गया हमारा डेटर पार्टी का लेजर। अब मैं परचेज का लेजर आपको बता देता हूँ कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो ये परचेज अकाउंट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा परचेज अकाउंट, और इसको डालना है अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में। यहाँ पर आपको ग्रुप में परचेज अकाउंट मिल जाएगा, एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पर GST एप्लीकेबल गुड्स रखिए, और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइए। ये हो गया। अब सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट का भी लेजर मैंने बना रखा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये सेल्स अकाउंट हो गया, ये सेल्स, और यहाँ पर GST एप्लीकेबल रहेगा, और गुड्स एक्सेप्ट करा लीजिए। ऐसे करके आप लेजर्स बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री करनी है हमको परचेज वाउचर में, चलिए चलते हैं परचेज वाउचर में। हमने कोई भी GST का लेजर नहीं बनाया है, ना ही GST को इनेबल किया है, तो अच्छा यह है कि GST को पहले ही इनेबल कर लें हम। तो F11 की प्रेस कीजिए, जैसे ही प्रेस कीजिएगा कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन होगी, यहाँ से स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाइए, आ गए, भारत नाम की कंपनी थी हमारी, यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको आप यस कर दीजिए, और सेकेंड ऑप्शन को भी यस करिए। जैसे ही यस करेंगे ये GST डिटेल वाला बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर स्टेट चूज कर लीजिए, और आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं कि कंपोजिशन स्कीम में, इसके अनुसार यहाँ पे चूज कर लीजिए। इसको अभी छोड़ देते हैं ये ऑप्शन, एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर GSTIN नंबर आ जाएगा, एंटर प्रेस किया हमने, टैली इसको वेरीफाई करेगा, 1 अप्रैल 2020 से लागू हो रहा है ये, और हम मंथली GST फाइल करेंगे। ई वे बिल अगर आप चाहते हैं यस करना तो यस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको नो भी रख सकते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, सेट अल्टर GST डिटेल, इसको आपको यस रखना है, ये यस कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर HSN कोड का कॉलम मैंने नो रखा है, अगर आप चाहते हैं इसको लेके आना तो यहाँ से आप F12 की प्रेस कीजिए, और यहाँ पर HSN/SSC कोड दिया हुआ है, इसको आप यस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिलहाल मैं बाहर आता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं ये GST मैंने पहले से लगाया हुआ है, 15% इंटीग्रेटेड टैक्स है, तो वो 7.5% के हिसाब से डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ किसकी किसकी बात करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स की बात करेंगे, सेंट्रल टैक्स की बात करेंगे, और स्टेट टैक्स की बात करेंगे। सेस के लिए एक अलग से वीडियो मैंने क्रिएट किया है, मैं एंड स्क्रीन नोटेशन में उसका ऊपर दे दूंगा, वहां से चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब एंटर प्रेस करता हूं, और अब इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस करके आप डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट करा लें, ये एक्सेप्ट हो गया हमारा। अब हम अपने कंपनी में है भारत, बाकी ये जो कंपनी है अनिल एंड सन्स, इसको क्लोज कर दें, शट कंपनी यहाँ पे आ रही है साइड में, यहाँ पे क्लिक कर दें, अनिल एंड सन्स क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया। अब बाकी अदर कंपनी है रमेश एंड सन्स, इसको भी क्लोज करना है, तो यहाँ से शट कंपनी आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये भी क्लोज हो जाएगा। तो अब ये क्लोज हो चुका है पूरी तरह से। अब हमको यहाँ पर GST का लेजर भी बना लेना है, तो यहाँ अकाउंट इन्फो में भी जाके आप लेजर बना सकते हैं, तो यहाँ पे चलें, और यहाँ पर अब मैं लेजर बना रहा हूँ एक एक करके, CGST अगर अवेलेबल होगा तो ये बोलेगा ऑलरेडी अवेलेबल। अब देखिए नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये बता रहा है पहले से मौजूद है, यानी हमने लेजर पहले से क्रिएट किया हुआ है GST का, ठीक है। तो यहाँ पे लेजर्स में जाकर और ऑल्टर में जाकर के आप उस लेजर को देख भी सकते हैं, यहाँ देखिए CGST का लेजर पहले से क्रिएटेड है, ये CGST का लेजर, यहाँ लिखिएगा CGST और इसको डालिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, चूंकि ये GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो यहाँ GST आएगा, और यहाँ चूंकि CGST है तो सेंट्रल टैक्स आएगा,
ठीक है, एंटर प्रेस करते हुए या नॉर्मल राउंडिंग रख लीजिएगा, आप चाहे तो यहाँ लिमिट भी सेट कर सकते हैं, अगर 3 रखिएगा तो 3 पॉइंट मिलेगा, ये दशमलव के 3 अंकों तक लेगा, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए। अब एसजीएसटी का लेजर बना लीजिए, तो यहाँ से एसजीएसटी भी आ जाएगा, तो ये एसजीएसटी देखिए इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पर आएगा जीएसटी और ये आएगा स्टेट टैक्स, इस तरह से करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो फिर एक और लेजर बचा हुआ है आईजीएसटी का, जो कि इसमें शो नहीं हो रहा है, उसको मैं बना करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से पहले बाहर आ जाते हैं, अब यहाँ पर मैं लेजर बनाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर आएंगे, अकाउंट इन्फो पे भी जाके लेजर बना सकते हैं, और डायरेक्ट जहाँ वाउचर में एंट्री करते हैं वहां पर भी अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप लेजर बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको अकाउंट इन्फो में जाकर लेजर बनाने के लिए बता रहा हूँ। एंटर प्रेस किया हमने, अब ये लेजर क्रिएशन वाली जो विंडो है अकाउंट इन्फो, यहाँ सेकेंड ऑप्शन लेजर्स है, इस पर क्लिक करिए, एंटर प्रेस करिए, और यहाँ पर अब मैं बना रहा हूँ आईजीएसटी। तो ये आईजीएसटी का लेजर हो गया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पर रहेगा इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। एंटर प्रेस किया, राउंडिंग की लिमिट जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देता हूँ, लिमिट 3 कर देता हूँ, एक्सेप्ट कराता हूँ उसको, ये एक्सेप्ट हो गया, यानी हमने जो भी लेजर बनाने थे वो बना लिए। अब हमको चलना है वाउचर एंट्री करने, वी प्रेस करता हूँ, हम आ गए परचेज वाउचर में, ठीक है। अब यहाँ पर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, डेट यहाँ पे आ गई है, ओके। अब यहाँ पर जो है क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो ये क्रेडिटर पार्टी का हमने लेजर लगा दिया, लोकल की ही पार्टी है, यानी स्टेट सेम है हमारा और लोकल की ही पार्टी है, दैट्स वाई यहाँ पर सी जी एस टी एस जी एस टी लगेगा। यहाँ के प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड के 38 आइटम पहले से हमारे पास है, और कितने आइटम हम खरीदना चाहते हैं, जैसे 5 आइटम खरीदना चाहते हैं, तो ये 5 आइटम की कीमत 90 रुपए के हिसाब से यहाँ 450 रुपए डिसाइड हो गई। अब माउस की बात कर लेते हैं, तो माउस के 44 आइटम पहले से मौजूद है, कितने और खरीदना चाहते हैं, 70 आइटम और खरीदना चाहते हैं, तो ये 70 आइटम के हिसाब से यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गई। एंटर प्रेस करिए और यहाँ पर आ जाइए, एंड ऑफ लिस्ट जब आए तो यहाँ पर आपको लगाना है सीजीएसटी, जैसे एंटर प्रेस करिएगा तो यहाँ सीजीएसटी आपके टोटल अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट होकर आने लगेगा, ये देख सकते हैं सीजीएसटी कैलकुलेट होकर अब आने लगा है। एंटर प्रेस कीजिए, अब एसजीएसटी लगा दीजिए, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है, तो यहाँ एसजीएसटी लगा दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं या न्यू रेफरेंस करिए, और यहाँ पर चाहे तो नरेशन डाल दीजिए कुछ, फिलहाल मैं नहीं डाल रहा है, एंटर प्रेस करता हूँ और इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। ये हमारी एंट्री हो गई पूरी। अब इसको देखना है तो कहाँ से जाके देखेंगे, आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, दो बार डी प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला हमारा जो एंट्री हमने बनाई थी वो ये वाली एंट्री है। तो ये देख सकते हैं कीबोर्ड और माउस जो हमने परचेज किया था। अब अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, ये जो है सेव करने के लिए बोलेगा, यहां से हमको डेस्कटॉप चूज करना है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ठीक है, और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं। मैं कहां सेव कर रहा हूं, डेस्कटॉप पे, ये देखिए ये सेव कर दिया हमने। अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं यहां से, ये देखिए ये पी यू आर के नाम से यहाँ पे आया हुआ है, डबल क्लिक करके आप इसका प्रिंट देख सकते हैं कैसा इसका प्रिंट आएगा अगर आप प्रिंट देंगे तो। तो देख सकते हैं ये हमारा प्रिंट आ चुका है और ये टोटल कॉस्ट आई हुई है। इस तरीके से करके हम जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये तो बात रही सेम स्टेट की, लोकल एरिया की बात हुई, सेम स्टेट की बात हुई, चलिए इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं बाहर आ जाता हूं और अब हम तो कहाँ चलेंगे, सेल्स वाउचर में। इसी चीज को हम, अब हमने खरीद तो लिया, अब हमको सेल करना है इसी चीज को, तो सेल्स वाउचर में जाने के लिए F8 प्रेस कीजिए, नहीं तो यहाँ से माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक कर देता हूं मैं, अब सेल्स वाउचर में आ चुके हैं हम, एंटर प्रेस किया हमने और इस बार यहाँ पर डेटर पार्टी का लेजर आ जाएगा। तो ये आ गया डेटर पार्टी का लेजर और इंटरफेस करते हुए ये जो है न्यू कॉलोनी देवरिया, इसको मैं कर देता हूँ MP भोपाल। इस बार हम जो सेल करेंगे वो भोपाल में करेंगे और यहाँ उत्तर प्रदेश के बजाय MP लिखेंगे, यानी पार्टी हमारी कहाँ की है, भोपाल की है, MP कर दिया हमने मध्य प्रदेश। और जो भी इनका GSTIN नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए, आ गया।
अब यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स अकाउंट का लेजर आ रहा है, तो सेल्स अकाउंट का लेजर लगा लीजिए। अब जो आपने आइटम खरीदे थे, जैसे कीबोर्ड का 43 आइटम आपके पास है, इसको ले लीजिए, ले लिया 43 में से हम 40 आइटम सेल कर रहे हैं, ठीक है। कीमत क्या रखनी है, जैसे 220 रुपए यहाँ आ रहा है, लेकिन हम यहाँ इसको 260 रुपए में बेचेंगे, तो ये 260 रुपए के हिसाब से टोटल कॉस्ट आ जाएगी, आ गया। अब एंटर प्रेस कीजिए, नीचे आइए। अगला जो आइटम आपको सेल करना है, माउस सेल करना है, तो यहाँ देखिए माउस के 114 आइटम मौजूद है और इसमें से 100 आइटम हम सेल करते रहे, तो यहाँ 100 लिख दिया, 100, और 177 रुपए के हिसाब से ये सेल हो रहा है, लेकिन हम इसको सेल करेंगे 200 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये 200 कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। तो ये मान लीजिए दो ही आइटम सेल करना हो, दो आइटम सेल करिए, और यहाँ पर अब आपको सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर लगाना होता है, लेकिन चूंकि मामला अदर स्टेट का है तो यहाँ पर क्या आएगा, आईजीएसटी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आईजीएसटी लगाया तो वही सेम चीज कैलकुलेट होकर हमारे पास आ गई, देखिए आ गया। एंटर प्रेस कीजिए, न्यू रेफरेंस कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट करा लिया आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। इस तरीके से हम इसको एंट्री कर सकते हैं, तो सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, इसमें कंफ्यूजन आई होप कि क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं यूटीजीएसटी की। ये यूटीजीएसटी क्या होता है, देखिए जो भी आपकी कंपनी होगी वो होगी किसी यूनियन टेरिटरी की। यूनियन टेरिटरी का मतलब जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये जो है यूनियन टेरिटरी में आता है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको जो है हम केंद्र शासित प्रदेश वाले में हम यूटीजीएसटी लागू करते हैं। लागू कैसे होगा, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपनी बनाते हैं, अल्ट F3 करेंगे और यहां पर आएंगे क्रिएट कंपनी पे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पर हमें कंपनी बनानी है, मैं यहां लिखता हूं फैन क्लब, फैन क्लब नाम से हम कंपनी बना रहे हैं, और इसका एड्रेस मैं डालता हूं अंडमान निकोबार आइसलैंड, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, ए प्रेस करता हूँ तो अंडमान निकोबार आ जाएगा, आ गया। एंटर प्रेस किया हमने, पिन कोड जो भी हो वहां का वो डाल दीजिए आप, एंटर प्रेस किया और ये हमारा इस तरह से करके अब पहले इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, फैन क्लब नाम से कंपनी बन गई, ठीक है। बाहर आइए, यहाँ पर अब हमको चलना है कहाँ, हमको चलना है अकाउंटिंग वाउचर में, और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले आना है रिसिप्ट वाउचर में। कंपनी न्यू है तो कैपिटल अकाउंट तो बनाना बनता है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ बना लीजिए लेजर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया निवेश कर रहे हैं वो चीज यहाँ पे देनी होती है, अंडर कैपिटल अकाउंट किया जाएगा। तो ये कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे नेम दे सकते हैं, यहाँ पे जो भी नेम है, जो ओनर का नाम है, जैसे मान लीजिए रामचंद्र सिंह, ये ओनर है तो मैंने इनका नाम दे दिया, एंटर प्रेस किया, और एड्रेस दे सकते हैं तो वही अंडमान निकोबार यहाँ पे डाल दीजिए आप, निकोबार, ठीक है। एंटर प्रेस किया और ये अंडमान निकोबार हो जाएगा, और पिन कोड जो भी वो डाल दीजिएगा, और रेगुलर स्कीम रजिस्टर्ड है और इनका जो GSTIN है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो जो भी GSTIN है वो डाल दीजिए आप, पहले इसको वेरीफाई करेगा, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए। अब कितना रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे कैश आ जाएगा, ठीक है। एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने। तो ये हो गई हमारी एंट्री पूरी रिसिप्ट वाउचर की। अब हमको चलना है कहाँ, परचेज वाउचर में, तो वी प्रेस कीजिए और यहाँ से परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस कर लीजिए। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। अब 600 नंबर का सप्लायर इनवॉइस नंबर है और यहाँ पर ना तो सन्ड्री डेटर पार्टी का लेजर बना है ना तो क्रेडिटर, तो दोनों बना लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो यहाँ लिखता हूँ क्रेडिटर सुशांत, ठीक है। एंटर प्रेस किया और ये जाएगा संडी क्रेडिटर में, तो एस प्रेस कीजिए और संडी क्रेडिटर यहां से चूज कर लीजिए। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहां पे एड्रेस जो भी है
एक्सेप्ट हो गया एंटर प्रेस करके, और इसको यहाँ से भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर बना दीजिए, परचेज अकाउंट बना दिया, एंटर प्रेस कीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंडर परचेज अकाउंट में इसको हम डाल देंगे, तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे गुड्स रहेगा, एंटर प्रेस कीजिए। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर चीजों को खरीदना है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कीबोर्ड परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ कीबोर्ड कर दिया हमने, और यूनिट यहाँ पे डाल सकते हैं हम, आइटम कर सकते हैं आईटीएम, ये जो है सिंबल हो जाएगा, और फॉर्मल नेम कर देंगे आइटम, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर पी पीस कर देता हूँ मैं, पैक्स भी कर सकते हैं यहाँ पे, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराइए, गुड्स रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए 500 क्वांटिटी हम मंगा रहे हैं, और एक की कीमत हमको पड़ रही है 200 रुपये, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। इसके बाद मान लीजिए अदर आइटम भी चाहिए हमें, तो यहाँ पे ले सकते हैं। ये आइटम बनाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा नीचे नहीं जाना है आपको, एक बार एंटर करना है, यहीं पर आपको स्टॉक आइटम बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए मदरबोर्ड की बात है, तो यहाँ पे MOTHERBOARD मदरबोर्ड किया हमने, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर आइटम ही रखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, गुड्स रहेगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए। और 10 मदरबोर्ड हम मंगा रहे हैं, एक की कीमत है 3,400 रुपये पड़ रही है, तो ये हमने कर दिया। अब हमको यहाँ पे सोचना ये है कि जीएसटी तो हमने अभी इनेबल किया नहीं है, तो जीएसटी इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे जाएंगे, कैसे, तो सबसे पहले कहाँ चलना है, हमको चलना है यहाँ से F11 की प्रेस करना है, और स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाना है, एंटर प्रेस करेंगे, फैन क्लब हमारी कंपनी थी, यहाँ से यस करिए इसको, और इसको भी यस कर दीजिए। यहाँ पर अंडमान निकोबार आ रहा है, रेगुलर डीलर हैं ये, और यहाँ पर जो भी उनका GSTIN है वो डाल सकते हैं यहाँ पे, एंटर प्रेस कीजिए, मंथली ये फाइल करेंगे अपना जीएसटी, और यहाँ पर आपको इनवॉइस वैल्यू ही रखता हूँ मैं, और जीएसटी इंटरेस्ट रेट के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर दीजिए, और यहाँ पर जैसे टैक्सेबिलिटी है तो टैक्सेबल यहाँ पे रखना है आपको, और यहाँ पर जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 12% का, तो ये 6% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 12% का, तो ये 6% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज़ देखिए आप, जैसे ही आपने इनवॉइस वैल्यू किया यहाँ पे, और यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपने किया, तो यहाँ पर अपने आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड टैक्स 12% और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यूटी टैक्स आ रहा है। तो ये चीज है जो यूटी टैक्स इस तरह से आएगा आपका, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि यूटी टैक्स कहाँ से आ रहा है। अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप, कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, ये पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बाहर आ जाइए यहाँ से, अब हमको यहाँ पर काम करना है, ठीक है। 800 नंबर का बिल है, एंटर प्रेस किया, और यहाँ क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ जाएगा, और यहाँ परचेज अकाउंट का। अब यहाँ पे कीबोर्ड की बात है, तो कीबोर्ड ले लिया हमने, मान लीजिए कि 30 कीबोर्ड हम खरीद रहे हैं, और एक कीबोर्ड की कीमत हमको पड़ रही है 200 रुपये, एंटर प्रेस किया हमने, तो 6,000 रुपये यहाँ आ गया। अब मान लीजिए माउस की बात, मदरबोर्ड की बात करें, तो ये हो गया, दो मदरबोर्ड हम खरीद रहे हैं, एक मदरबोर्ड हमको 4,000 रुपये का पड़ रहा है, तो दो मदरबोर्ड की कॉस्ट आ गई। अब एंटर प्रेस करके यहाँ पर आ जाइए एंड ऑफ लिस्ट के पास, यहाँ पर आपको CGST, SGST और IGST लगाना है। कैसे लगाएंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ लिखिए CGST, लेजर बनाइए। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो डी प्रेस कीजिए, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत ये लेजर बनता है, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गया। ये टाइप ऑफ जीएसटी है, किस टाइप का जीएसटी है, तो CGST है, यानी सेंट्रल टैक्स है, तो ये सेंट्रल टैक्स लगा दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग हो जाएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे राउंडिंग लिमिट 3 रख सकते हैं, एंटर प्रेस कीजिए, तो ये आ गया यहाँ पे CGST, कैलकुलेट हो गया ना।
कोई दिक्कत नहीं है। अब यूटी जीएसटी लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पे यूटी जीएसटी लगाना है। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे यूटी जीएसटी, लिखेंगे अल्ट सी प्रेस करके, और यहाँ लिखेंगे यूटी जीएसटी और ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब ये जीएसटी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यूटी टैक्स आ रहा है, स्टेट टैक्स नहीं आ रहा है, तो यूटी टैक्स आप चूज कर ले और एंटर प्रेस करें, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रख ले, और यहाँ पे राउंडिंग लिमिट 3 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे यूटी टैक्स भी कैलकुलेट हो चुका है, आप देख सकते हैं, न्यू रेफरेंस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हमें सेल्स वाउचर में जाकर सेल करना है। ठीक है, तो चलिए आइए सेल्स वाउचर में चलते हैं। यहाँ से सेल्स वाउचर पे क्लिक करते हैं और जो 800 नंबर का सप्लाई एडवांस नंबर है वो दे दिया हमने। अब यहाँ पर डेटर पार्टी का लेजर तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और सुरेश डेटर कर लीजिए, कर लिया, एंटर प्रेस कीजिए। ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपको सन्ड्री डेटर पार्टी का पार्टी के अंडर में डालना है इसको, तो सन्ड्री डेटर चूज कर लीजिए और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाइए। और यहाँ पर भी आपको रखना है अंडमान निकोबार, किया हमने एंटर प्रेस किया, जो भी पिन कोड वो डाल दीजिएगा मुझे याद। ये रेगुलर है, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, एंटर प्रेस कीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ लिखिए सेल्स, ये ऑब्लिक सी सेल्स अकाउंट हो गया, ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट में। तो ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में सबसे पहले दिया हुआ है सेल्स अकाउंट, तो इस सेल्स अकाउंट के अंडर में डाल दीजिए। और डिस्काउंट वगैरह तो लगाना नहीं है, यहाँ आएगा गुड्स सर्विसेज दिख रहा है, लेकिन गुड्स कर दीजिए आप, इंटरप्रेस कीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। यहाँ पर वही चीजें आपको अब सेल करनी है, पहले आपने खरीदारी की थी अब सेल करनी है। तो 30 आइटम आपके पास हैं, मैं इसमें से 29 आइटम बेचने वाला हूँ, तो इंटरप्रेस करता हूँ, यहाँ से क्वांटिटी 29 में बेच रहा हूँ। मैंने खरीदा कितने का था, मैंने खरीदा था 200 का, अब इसको बेच रहा हूँ मैं 250 रुपये का। ठीक है, तो ये हमने इसको सेल कर दिया। अब बाकी है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के दो आइटम हमारे पास हैं, दोनों आइटम हम बेच दे रहे हैं, तो यहाँ दो आइटम, अब ये जो है हम इसको बेचेंगे 6000 रुपये का, तो ये 6000 रुपये का हमने इसको सेल कर दिया। अब नीचे आएंगे तो सी जी एस टी और एस जी एस टी लगाना है, तो यहाँ पे सी जी एस टी लगाएंगे, तो क्या एस जी एस टी भी लगेगा, नहीं एस जी एस टी नहीं लगेगा, यूटी जी एस टी लगेगा यहाँ पे, तो यूटी टैक्स आ जाएगा। एंटर प्रेस किया और एक्सेप्ट करा लिया। उम्मीद करता हूँ सारी कन्फ्यूजन इससे दूर हो गई होगी। जब भी इसका प्रिंट निकालना होगा तो हम चलेंगे डिस्प्ले पे, दो बार डी प्रेस करेंगे और ये सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी आपको। ये तो आपको क्रेडिटर पार्टी का निकालना हो या डेटर पार्टी का, जिसका भी प्रिंट निकालना हो, जैसे मान लीजिए डेटर पार्टी का प्रिंट निकालना है, अल्ट के साथ ई प्रेस कीजिए यहाँ पर आकर और एंटर प्रेस कीजिए, तो ये डेटर पार्टी का भी प्रिंट यहाँ से निकल जाएगा। तो मैं यहाँ सेल्स लिख देता हूँ, सेल्स के नाम से इसे सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक किया हमने और ये सेल्स डबल क्लिक किया हमने और ये देख सकते हैं टैक्स इनवॉइस आ चुका है और सी जी एस टी और यू टी जी एस टी यहाँ पे अप्लाइड है। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार का बिल आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।